Okay, let's start. So basically, what we have been doing is we are talking about mass imbalance, okay? Damped system ki vibrations, mass imbalance, and in this, we have already defined the theory and we have already solved a problem. So let us quickly look ke humne kya formulation ki thi. So we have a relationship that defines how much displacement amplitude capital X we are going to have as a function of R and zeta, okay? और जो रेशियो बन के आ रहा है दैट इज कैपिटल एम टाइम्स कैपिटल एक्स डिवाइड बाय स्मॉल एम ई. इसमें स्मॉल एम ई जो है दैट इज आवर अनबैलेंस डिफाइंड इन केजी मीटर्स और ग्राम सेंटीमीटर्स और समथिंग लाइक दैट. और जो कैपिटल एम है दैट इज द मास ऑफ द सिस्टम एंड कैपिटल एक्स इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशंस इन द सिस्टम. ठीक, वी कैन यूज दिस टू एक्चुअली डिजाइन अवर सिस्टम्स एज वेल एज सी के अंडर सम पर्टिकुलर अनबैलेंस हमारा सिस्टम कितना वाइब्रेट कर रहा होगा. ठीक है, दैट्स द बेसिक आइडिया. तो लेट्स सी, हमने जब इसके बाद व्हाट वी डिड वाज वी लुक्ड एट डिफरेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस. वी आर नॉट गोइंग टू रिवाइज दैट. वी आल्सो लुक्ड एट हाउ मच फोर्स इज गोइंग टू बी ट्रांसमिटेड टू द ग्राउंड. ठीक है, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. वी आर गोइंग टू लुक एट अ प्रॉब्लम राइट नाउ व्हिच डील्स विद दिस थिंग. सो लेट्स लुक एट व्हाट वी डिड हियर. We said कि हमारे पास ग्राउंड में जो फोर्स ट्रांसमिट हो रही होती है दैट इज एक्चुअली बींग ट्रांसमिटेड थ्रू द स्प्रिंग एंड द डैम्पर. सही, तो हमारे पास जो फोर्स होगी दैट इज सी एक्स डॉट प्लस के एक्स एंड वी ऑलरेडी हैव अ सोल्यूशन फॉर एक्स ऑफ टी. सो वी कैन प्लग दैट सोल्यूशन इन हेयर एंड वी कैन फाइंड वॉट इज एफ ऑफ टी एंड वी कैन एक्चुअली प्रोसीड टू कैलकुलेट द magnitude of this thing and you can do it using your trigonometry laws or your complex exponential approach, whatever you like. And the magnitude of the transmitted force comes out to be under root kx whole square plus u omega x whole square. ठीक हो गया. उसके बाद what we did was we plugged the value of capital X in this and we are now going to try to convert this thing to a non-dimensional form. तो हमने इसको पहले थोड़ा सा simplify कर दिया एंड उसके बाद वी डोंट वॉन्ट द रेशियो टू बी इन टर्म्स ऑफ ओमेगा बिकॉज दैट वुड मीन कि मुझे ओमेगा के चेंज होते के साथ रेशियो चेंज हो रहा होगा. तो वी वॉन्ट इट इन टर्म्स ऑफ सिस्टम पैरामीटर्स. सो वट वी डू इज वी एक्चुअली लेट अस गो टू द फाइनल स्टेजेस. सो वट वी डू इज वी रिप्लेस ओमेगा विद आर ओमेगा एन सो दैट वी कैन टेक द रेशियो ऑफ एफ टी विद एम ई ओमेगा एन स्क्वायर. नाउ दिस एम ई ओमेगा एन स्क्वायर इज नॉट अ फोर्स बट इसकी यूनिट फोर्स वाले, ये कोई फिजिकल फोर्स नहीं है बिकॉज फोर्स जो होगी अनबैलेंस की दैट इज गोइंग टू बी एम ई ओमेगा स्क्वायर. दिस इज अ फोर्स. दिस एम ई ओमेगा एन स्क्वायर इज नॉट एन एक्चुअल फोर्स बट इसकी यूनिट क्योंकि फोर्स वाले हैं तो वी कैन नॉन डायमेंशनलाइज अवर सिस्टम यूजिंग दिस थिंग. ठीक, इफ यू डू दिस वी गेट अ रिलेशनशिप अगेन विच इज ऑफ अ वेरी सिमिलर फॉर्म दैट वी हैव बीन डीलिंग विद फॉर द पास्ट थ्री टॉपिक्स. कि हमारे पास आर और जीटा के टर्म्स में हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गई जो कि हमें ट्रांसमिटेड फोर्स बता देती है. इसके बारे में वी स्टडीड कि हमने देखा था इसको अगर प्लॉट करके देखें तो वी फाइंड आउट कि देयर आर टू डिस्टिंक्ट रीजंस इन दिस अंडर रूट 2 से पहले और अंडर रूट 2 के बाद. आर की वैल्यू अगर अंडर रूट 2 से कम होगी तो हमारे पास डैम्पिंग का पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है बिकॉज डैम्पिंग इन दिस रीजन इज रिड्यूसिंग द एम्पलीट्यूड कैपिटल एक्स. तो जैसे जैसे कैपिटल एक्स कम हो रहा है आपकी फोर्स भी कम हो रही है. इन द रीजन आफ्टर अंडर रूट टू वी डोंट सी दिस बिकॉज इन दिस रीजन कैपिटल एक्स पे डैम्पिंग का इन्फ्लुएंस बहुत कम हो गया. तो एज यू इंक्रीज और एज यू वेरी डैम्पिंग द सोल्यूशन कैपिटल एक्स डजंट रियली चेंज बट बिकॉज डैम्पिंग इज इंक्रीजिंग दिस इज इंक्रीजिंग सो फोर्स इज इंक्रीजिंग. ठीक है, तो दो डिस्टिंक्ट रीजन है डिपेंडिंग ऑन आपकी ऑपरेटिंग रिजीम क्या है. दिस माइट बी यूजफुल नॉलेज. ठीक है कि आप किधर आप बहुत हाई स्पीड्स पे ऑपरेट करना चाह रहे हैं कम स्पीड पे ऑपरेट करना चाह रहे हैं डैम्पिंग का इन्फ्लुएंस क्या होगा. दिस डायग्राम टेल्स अस दैट. ठीक हो गया. तो वी देन लुक्ड एट अ न्यूमेरिकल जिसमें हमने शाफ्ट डायमीटर निकाला था एंड वी डिड दिस. और इसमें हमने कहा था कि 600 से लेके 6000 आरपीएम के बीच में हमें डिजाइन करना है. तो वी वांट द एंटायर रीजन 600 टू 6000 टू बी अवे फ्रॉम द पीक. तो आइदर 600 शुड बी ऑन द राइट साइड ऑफ द पीक और 6000 शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीक. दोनों तरीके से डिजाइन हो सकता है. न्यूमेरिकल में कर लिया तो वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू दिस अगेन बट वी आर जस्ट क्विकली रिव्यूइंग व्हाट वी डिड.
Anyways, let us move on and see what we have to do today. Aaj humne kya karna hai? We have another numerical. Numerical itself is not that difficult, straightforward hai. Once you understand what it says, the maths that you need to solve is very straightforward. An air compressor of mass 50 kgs is mounted on an elastic support. ठीक है, operating speed given है, that is 1000 rpm. Unbalanced, इस केस में उन्होंने small m और small e दोनों अलग अलग specify किए हुए. ठीक है, they are not giving us the product ME directly. तो m, small m, small e given है. We know that the damping ratio for the elastic support is 0.1, zeta given है. And we need to determine the following. We need to find out what should be the spring constant of the elastic support so that the force that is transmitted to the ground or the foundation is no more than 25%. So 25% pe humne transmitted force ko limit karna hai. Theek hai? And secondly, we need to find out the magnitude of the transmitted force. The magnitude of the transmitted force nikalna is not that difficult because आपको अगर ट्रांसमिटेड फोर्स पता होगी तो यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 0.25 टू गेट द अमाउंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स दैट इज ट्रांसमिटेड. पहले वाले पार्ट में थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा बिकॉज हमें जो फॉर्मूला गिवन है दैट इज शोन ऑन द स्क्रीन एंड इट इज दिस वन कि एफ टी अपॉन एम ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर टाइम्स दिस रेडिकल पार्ट. ठीक है, अच्छा, अब The first intuition is के okay, मुझे ये 25% given है तो this ratio becomes 0.25 and I can just solve for R. zeta पता है, R के लिए solve कर लें, but that would be wrong. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि they're saying के that the transmitted force is 25% of the unbalanced force. This ME omega n square is not the unbalanced force, ये centrifugal force नहीं. Unbalanced force हमारे पास क्या है? Unbalanced force हमारे पास है ME omega square. So the ratio that they are giving us is that they're basically saying this thing कि FT is equals to 0.25 times ME omega square, not omega n square, because this thing is the unbalanced force. ठीक है ना, तो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट. ये रेशियो इज नॉट इक्वल टू 0.25 इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ठीक है, तो हमें समहाउ वी नीड टू कन्वर्ट दिस थिंग इनटू आवर नोन. तो हम लोग अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो दिस टर्न आउट टू बी एफ टी अपॉन एम ई ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0.25. ठीक है, दिस व्हाट वी कैन डू. अब इस ये करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि अगर हम अपने R को नीचे ले आए एंड वी नो दैट R इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन ओमेगा एन विच लीड्स टू ओमेगा इज इक्वल टू R ओमेगा एन. ठीक है, तो इफ आई ब्रिंग माय R स्क्वायर हियर देन R ओमेगा एन होल स्क्वायर वुड लीड टू ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, तो आई कैन मॉडिफाई दिस फॉर्मूला विच इज गिवन हियर to convert into the data that we are given. ठीक है, हम लोग को डायरेक्टली ये वाला रेशियो नहीं गिवन हमें. ठीक है, जो चीज गिवन थी हमें उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली R को नीचे मूव करना होगा. R square multiplied by omega square will give me omega square and then that thing would be equals to 0.25. ये जो रेशियो देन what ratio comes up here is going to be 0.25. ठीक है, so let's see what we did. अभी मैंने हाथ से सॉल्व करके यहाँ पे वो डाले हुए एंड आई थिंक इट्स readable, so let's work with this. हमें given FT ME omega square 0.25. ठीक है, हमने वही वाली बात बोली कि R omega n होता है तो this thing still 0.25, zeta 0.1 given है. हम R को इधर से उठा के नीचे मूव कर दिया हमने एंड वट एवर इज लेफ्ट दैट थिंग इज इक्वल टू 0.25. सही, वट वी कैन डू, अब ये चीज पूरी दिस एंटायर थिंग इज 0.25. I need to now remove the square root, so I can square both sides. 0.25 का square कर दिया, दूसरे side का square किया, तो under root खत्म हो गया. Then I can do some manipulations. 0.25 का square is 0.0625 multiplied by this entire thing जो denominator में आ रही है.
ठीक, 0.2 का स्क्वायर इज 0.04, 2 में से माइनस करा दिया तो दैट बिकम्स 1.96. तो सिंपल काम हो रहा है, बिल्कुल बेसिक एलजेब्रा है, यू नीड टू जस्ट सिंपली सॉल्व इट. न्यूमिनेटर में अगेन 1 प्लस 0.2 आर का होल स्क्वायर तो बिकम्स 0.04 आर स्क्वायर. आप आर की पावर 4, आर की पावर आर स्क्वायर और कॉन्स्टेंट टर्म्स को कलेक्ट कर लीजिए, यू एंड अप विद दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. ठीक है, इसमें आप सपोज कर लें कि आर स्क्वायर इज एक्स, तो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर, दिस बिकम्स एक्स एंड दिस इज द कॉन्स्टेंट टर्म. यू कैन सॉल्व फॉर एक्स एंड यू गेट टू वैल्यूज ऑफ एक्स. नाउ वी नो के आर स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, बिकॉज अगर आर स्क्वायर नेगेटिव होगा तो आर हमारे पास इमेजिनरी हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर अस. तो आर स्क्वायर की पॉजिटिव वाली वैल्यू सेलेक्ट की और आर स्क्वायर से हमने आर को सॉल्व कर लिया यूजिंग स्क्वायर रूट. We get two values, positive and negative. We know R is not negative. R is just a ratio between two frequencies. So we pick the positive value here and we get R equals to 2.32. And this is basically the R that will give us the required ratio of 0.25. जो हमें ratio चाहिए कि आप हमारी actual transmitted force का to the unbalanced force. That thing is now 2.32. R हमें पता चल गया कि आर पे ये काम होगा. अब R क्या होता है? R हमारे पास होता है ओमेगा अपॉन ओमेगा n. ओमेगा हमें गिवन है, तो ओमेगा इफ यू गो बैक, ओमेगा इज गिवन टू अस, इज 1000 RPM. तो ओमेगा के साथ तो हम कुछ नहीं कर सकते. वी नाउ नीड टू फाइंड आउट K. तो K की अप्रोच हम पहले देख चुके हैं. तो K की अप्रोच ये होती है कि हम R से ओमेगा n निकालते हैं और फिर ओमेगा n से हम के निकाल लेते हैं. तो ओमेगा हमें पता था 1000 आरपीएम, उसको हमने रेडियस पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया. देन ओमेगा एन इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन आर, वी डिड दैट. एंड के इज इक्वल टू एम ओमेगा एन स्क्वायर एंड वी फाइंड दैट आउट. तो यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन थोड़ी सी मैंने की हुई है, तो प्लीज मेक श्योर कि यू हैव लुक एट दैट एज वेल. दिस इज नाउ इन किलो न्यूटन पर मीटर, 101.871. ठीक है, तो इट्स द ओनली थिंग न्यू इन दिस प्रॉब्लम वॉज दिस पार्ट हेयर. ये वाला काम हमने किया है ना, यहाँ पे ये वाले जो काम किए. ठीक है, ये काम थोड़ा सा डिफरेंट था, जिसमें हमें थोड़ा सा फॉर्मूला को चेंज करना पड़ा. आगे की अप्रोच इज सिमिलर एंड दिस अप्रोच विल बी सिमिलर फॉर ऑल केसेस, चाहे वो हार्मोनिक फोर्स हो, चाहे वो बेस एक्साइटेशन हो, चाहे वो मास अनबैलेंस हो. कि आपको यूजली आर सॉल्व करना होता है फॉर अ सर्टेन रिक्वायरमेंट. उस आर से आप ओमेगा एन निकाल लेते हैं, उससे आप अपनी रिक्वायर्ड स्टिफनेस निकाल लेते हैं. ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि आपको किसी प्रॉब्लम में जीटा सॉल्व करना हो, तो अगेन इट वोंट एक्चुअली मैटर, बिकॉज आप सेम अप्रोच से जीटा भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो इफ यू हैव अवर के नाउ, देन हाउ इज द सेकंड पार्ट? सो सेकंड पार्ट इज वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. हमें पता है कि हमारी एक्चुअल जो फोर्स है, दैट फोर्स इज एम ई ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, फोर्स इज एम ई ओमेगा स्क्वायर. तो FT becomes 0.25 mu omega square. This is the requirement. कि आपकी जितनी भी unbalanced force है, आप transmit उसका 0.25% करें. उसके लिए हम R निकाल चुके हैं. We now have a system which satisfies this requirement कि 25% force transmit होगी. तो the transmitted force is simply mu omega square multiplied by 0.25. So it's not that difficult. सही? तो अब हमें M पता है. It's 2 kgs. E is 0.1 meters. Omega हमने निकाल लिया है. 0.25 से मल्टीप्लाई कर दें, यू एंड अप विद 548.303 न्यूटन्स. तो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव. ठीक है, इस न्यूमेरिकल में किसी किस्म का कोई मसला हो तो प्लीज आस्क मी, सो दैट वी कैन एड्रेस दिस बिफोर. ओके, आई विल शो यू द क्वेश्चन अगेन. सो दिस इज द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज कि हमारे पास एयर कंप्रेसर है जिसका मास 50 kgs है हमारे पास. सो दिस इज कैपिटल M. ठीक है, दिस इज द स्पीड n, इसको आप ओमेगा में कन्वर्ट कर लेंगे. दिस इज स्मॉल m, दिस इज e. ठीक है, जीटा गिवन है. दिस रेशियो वी आर सेइंग इज ft अपॉन me ओमेगा स्क्वायर. सही, हमें स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है विच ट्रांसमिट्स नो मोर देन 25%. तो हम 25% पे सॉल्व कर रहे हैं बेसिकली, कि 25% अगर फोर्स ट्रांसमिट हो रही है, देन व्हाट आर डू आई नीड.
ठीक है, जीटा फिक्स है। अगर जीटा फिक्स है तो फिर मेरे पास इस डायग्राम में मेरा जीटा फिक्स हो गया, मेरा जीटा ये वाला हो गया, तो आई एम वर्किंग विद दिस पर्टिकुलर लाइन हेयर, ठीक है, इस लाइन के काम कर रहा हूं मैं। तो इसके लिए वी सॉल्व एंड वी फाउंड आउट दैट इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट द फोर्स दैट वी वांट, वी आर गोइंग टू हैव टू यूज अ के विच वी जस्ट कैलकुलेटेड इन द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। तो ये वाला काम हमने किया। अच्छा, ये डायग्राम डायरेक्टली हमारे केस पे एप्लीकेबल इसलिए नहीं है कि आप सबसे पहले तो ये चीज देखें कि इसमें आर इक्वल्स टू मोर देन टू के ऊपर कोई 0.25 की वैल्यू रेशो की आई नहीं थी, बट रिमेंबर कि ये रेशो ओमेगा एन के साथ यहाँ पे शो हो रहा है, ओमेगा के साथ शो नहीं हो रहा। तो दिस इज नॉट द एग्जैक्ट, दिस फिगर इज नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल टू व्हाट वी आर डूइंग, बट दिस शोज यू द जनरल आइडिया कि हो क्या रहा है, ठीक। कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज बता दीजिए। ओके, सो वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक, ये टॉपिक हो गया हमारा। अब हमारे पास जो अगला काम है दैट इज वी नीड टू स्विच गियर्स एंड मूव टू 2 degree फ्रीडम सिस्टम्स, अभी हम वो स्टार्ट कर देंगे। पहले काम हम ये करेंगे, वी लुक एट हाउ टू राइट द इक्वेशंस ऑफ 2 degree फ्रीडम सिस्टम्स एंड देन वी विल मूव टू द सॉल्यूशन ऑफ फ्री वाइब्रेशंस ऑफ 2 degree फ्रीडम अनडैम्प्ड सिस्टम्स, ठीक है, अनडैम्प्ड सिस्टम पे फोकस करेंगे इनिशियली एंड विल लुक एट दैट। एंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होंगे देयर वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट देम, ठीक है, बट जाहिर है कि कुछ नए कॉन्सेप्ट आएंगे बिकॉज देर आर नाउ मल्टीपल डिग्रीज फ्रीडम इन्वॉल्व, बट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि आपके पास अगर स्प्रिंग दोनों एंड मूव हो रहे हो तो हाउ टू डील विद दैट, अगर डैम्पिंग के दोनों एंड मूव हो रहे हो तो हाउ टू डील विद दैट, वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट। तो अभी हमें विल लुक एट अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल एंड देन विल लुक एट एग्जाम्पल विच इज स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। सो लेट्स एंड दिस पर्टिकुलर स्लाइड शो, तो दिस वन इज डन एंड वी कैन देन move on to the next topic. Let's come here. So we are switching chapters now. So we are going to chapter number 5 in the book. Or iske andar hamara current topic jo hai wo free vibrations of 2 degree freedom systems hai. Theek. Aur particularly hum isme initially we are going to talk about undamped systems. पहले हम इक्वेशंस की बात करेंगे विच विल बी जनरल, तो वो डैम्प्ड अनडैम्प्ड, वो हम डैम्प्ड की केस की बात कर लेंगे एंड देन विल फोकस ऑन द सॉल्यूशन ऑफ फ्री वाइब्रेशंस ऑफ अनडैम्प्ड सिस्टम्स, ठीक है, एंड देन विल टॉक अबाउट डैम्प्ड सिस्टम इन द नेक्स्ट टॉपिक और पर्टिकुलरली दिस टॉपिक विल सी व्हेन टू डू इट, आई थिंक इसी टॉपिक के अंदर हम उसको मर्ज कर लेंगे। सो आफ्टर यू फिनिश दिस टॉपिक व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न बेसिकली यू विल बी एबल टू फॉर्मुलेट इक्वेशंस फॉर 2 degree फ्रीडम सिस्टम्स। जब मल्टी डिग्री फ्रीडम सिस्टम्स आते हैं तो वी यूजुअली राइट द इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ मैट्रिसेस, सो यू लर्न हाउ टू राइट दोस मास डैम्पिंग एंड स्टिफनेस मैट्रिसेस। नेचुरल फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालते हैं मल्टी डिग्री फ्रीडम सिस्टम्स की वो देखेंगे। रिमेंबर हमने इनिशियली बात की भी है कि जितनी डिग्रीज फ्रीडम होती है सिस्टम की, सिस्टम में उतनी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो अगर 2 degree फ्रीडम सिस्टम है तो 2 नेचुरल फ्रीक्वेंसीज आएंगी एंड there is an associated concept which is modal vectors and we'll learn what these are, ke vibration ki ek particular shape banti hai agar aap natural frequency, agar ek system ki 3 natural frequencies hai, aap natural frequency 1 pe vibrate kara rahe ho, 2 pe vibrate kara rahe ho, 3 pe vibrate kara rahe ho, jo vibration ho rahi hogi system ke andar that will form a particular shape at every frequency, theek hai, that is known as a mode shape. So we'll learn how to actually, for very simple systems, we'll learn how to find that out and we'll try to understand what that means, theek hai, to uske liye we'll try to use some web apps as well and see what we can do and we'll learn how to actually get the free vibration solution using known initial conditions. So jo kaam hum pehle 1 degree freedom system ke liye karte aa rahe hain wo kaam karenge. Principal coordinates, a coordinate coupling wali cheez, we'll see whether we can do this thing. Agar time hua to kar lenge, warna we'll see about this one. This, but this might not be covered. We'll see. Okay. So 2 degree freedom systems ki baat ho rahi hai. Iska matlab ye hai ki there are 2 independent coordinates which describe the motion. Sahi? Agar aap if
इस सिस्टम को देखें तो हमने एक गाड़ी का हाफ कार मॉडल बनाया और हमने कहा कि हमारे पास दिस इज अ वेरी क्रूड मॉडल, यूजुअली इस तरह का मॉडल से काम नहीं चलता, आपको कम से कम 4 डिग्री फ्रीडम चाहिए होती है हाफ कार मॉडल में, बट लेट्स अज्यूम कि हम बोल रहे हैं कि हमारा जो पूरी जो हमारी हमारी टायर की इटसेल्फ कोई स्टिफनेस नहीं है, या फिर हम ये बोल रहे हैं कि टायर की स्टिफनेस और सस्पेंशन की स्टिफनेस मर्ज होकर एक सिंगल स्टिफनेस बन गई है, तो हमारे पास एक स्टिफनेस फ्रंट टायर के ऊपर है, एक स्टिफनेस रेयर टायर के ऊपर है, देयर टू स्टिफनेसेस जो गाड़ी की वर्टिकल मोशन को कंट्रोल कर रहे हैं, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द वर्टिकल मोशन नॉट हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक। तो पॉइंट ए कैन मूव अप एंड डाउन, पॉइंट बी कैन मूव अप एंड डाउन, द कार हैज सम इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट हैज सम मास, दिस इज अ प्रॉब्लम विच इज 2 degrees ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सकता है यूजिंग द अप्रोच दैट वी नो, ठीक है। 2 degrees ऑफ फ्रीडम मीन्स कि दे आर गोइंग टू बी 2 equations ऑफ मोशन। अभी तक हम जो काम करते हुए आ रहे थे, वी कुड हैव वी हैड मल्टीपल मासेस एंड इनर्शियाज इन द सिस्टम बट दे वर ऑल कनेक्टेड यूजिंग रिजिड लिंक्स, तो हमारे पास इवेंचुअली जब हम वर्चुअल वर्क्स या किसी भी अप्रोच से इक्वेशन निकालते थे, वी एंडेड अप विद अ सिंगल इक्वेशन। अब ऐसा नहीं होगा, नाउ व्हाट वी विल हैव इज वी विल हैव मल्टीपल इक्वेशंस इन द सिस्टम, ठीक है। तो जितनी डिग्रीज फ्रीडम होंगे उतनी इक्वेशंस निकल के आएंगे, राइट। तो कंसीडर सिस्टम दैट इज शोन इन द स्क्रीन, ठीक है। अब ये बहुत ही बेसिक सिस्टम है, 2 masses है, दोनों के आगे पीछे और बीच में भी स्प्रिंग्स और डैम्पर्स लगे हुए हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम x1 और x2 है, एंड हाउ डू वी नो दैट दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इफ आई होल्ड 1 mass, लेट्स से मैं m1 को फिक्स कर देता हूँ, कैन x2 स्टिल मूव, इट कैन स्टिल मूव बिकॉज देर इज अ स्प्रिंग हेयर, सो देर इज सम इलास्टिसिटी इन्वॉल्व्ड हेयर। तो अगर मैं m2 को मूव करना चाहूंगा, आई विल बी एबल टू मूव m2 विदाउट मूविंग m1, सेम थिंग इज ट्रू फॉर m1, अगर मैं m2 को फिक्स करके m1 को मूव करना चाहूंगा, आई कैन डू दैट, तो दे कैन मूव इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर, सही है। सो दिस इज व्हाई वी हैव 2 degrees ऑफ फ्रीडम, क्योंकि 2 आपको डिस्प्लेसमेंट्स डिफाइन करनी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू डिफाइन द मोशन कंप्लीटली। अगर इस स्प्रिंग की जगह पे, सो लेट मी जस्ट गेट दिस, लेट्स से कि इसकी जगह पे इफ आई हैव अ रिजिड लिंक लाइक दिस, बेशक डैम्पर लगा हुआ भी हो, अगर ये रिजिड लिंक लगा हुआ तो डैम्पर फारे हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा। तो इफ आई हैव रिजिड लिंक हियर, देन इफ आई नो x1, देन आई आल्सो नो x2, आई डू नॉट नीड टू डिफाइन बोथ ऑफ देम, सो दैट मेक्स इट अ 1 degree फ्रीडम सिस्टम। बट बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग, अगर मुझे x1 पता है तो मुझे x2 नहीं पता, मुझे x2 को अलग से डिफाइन करना पड़ेगा, तो आई नीड टू डिफाइन बोथ x1 एंड x2 इन ऑर्डर टू डिफाइन दिस सिस्टम कंप्लीटली, सही है। आप इस सिस्टम की फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है, फ्री बॉडी डायग्राम बना के देख सकते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होगा, लेट्स थिंक अबाउट दिस एंड देन वी लुक एट इट। आपके पास अगर मैं x1 को देखूं, जो भी स्प्रिंग एक एंड से फिक्स होता है दैट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसकी जो फोर्सेज होती हैं दैट इज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, तो द फोर्स हियर इज गोइंग टू बी ऑपोजिट टू x1, इट्स गोइंग टू बी k1 x1, दिस वन इज गोइंग टू बी c1 x1 डॉट, सेम थिंग हियर x2 के ऑपोजिट होगा, तो दिस इज गोइंग टू बी k3 x2, This is going to be C3X2 dot. फिर हम आगे बीच वाली फोर्स में, इसमें हमने बोला था कि वी नीड टू डिफाइन द मैग्नीट्यूड्स फर्स्ट, एंड वंस वी डिफाइन द मैग्नीट्यूड्स देन वी कैन डिफाइन द डायरेक्शंस। मैग्नीट्यूड डिफाइन करने के लिए वी पिक 1 degree फ्रीडम टू बी मोर देन द अदर, बिकॉज हमें मैग्नीट्यूड हमेशा फोर्स का डायग्राम के अंदर पॉजिटिव रखना होता है, तो वी डिफाइन द फोर्स, मैं k2 x2 - x1 डिफाइन कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, सिमिलरली मैं c2 x2 - x1 डिफाइन कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो दिस मीन्स दैट आई एम कंसिडरिंग दैट x2 इज मोर देन x1 एंड x2 डॉट इज मोर देन x1 डॉट। इफ x2 इज मोर देन x1 देन द फोर्स इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन द मास दैट मूव्स विद x2,
सही है, तो एक्स टू वाला जो मास है उस पे फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट टू एक्स टू हो जाएगी, और ऑपोजिट टू एक्स टू हो जाएगी, और जो मास स्लो है दैट इज एक्स वन, द मास विद एक्स वन, उसमें जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में हो जाएगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो इट्स के टू एक्स टू माइनस एक्स वन सी टू एक्स टू डॉट माइनस एक्स वन डॉट एंड द डायरेक्शन आर लाइक दिस. ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इज ड्रॉन हियर, दिस एग्जैक्ट सेम थिंग इज ड्रॉन हियर. अच्छा, बुक के अंदर देयर इज अ मिस्टेक है, तो मैंने उसको यहाँ पे करेक्ट कर दिया है, बट बुक के अंदर ये डायरेक्शन गलत शोन है, इस तरीके से शोन है, तो जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट गेट कन्फ्यूज कि मैंने ऊपर से चीज को ड्रॉ किया हुआ, बिकॉज देयर वाज सम एरर इज देयर. ओके, तो यही चीज इन्होंने जो है ना वो पॉजिटिव x2 माइनस x1 शो किया, मैंने कि हम क्योंकि मैग्नीट्यूड हम पॉजिटिव रखना चाहते हैं, तो रिटन के दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम एंड द स्प्रिंग इज इन टेंशन फॉर पॉजिटिव x2 माइनस x1. अगर स्प्रिंग इन टेंशन होता है तो चीजों को अंदर की तरफ पुल कर रहा होता है, तो जो फोर्सेज हैं वो दोनों डायरेक्शन से स्प्रिंग की तरफ डायरेक्टेड है. अगर आप इसको कंप्रेशन में ले लेते हैं स्प्रिंग को, लेट्स से आप x1 minus x2 ले लेते हैं, तो x1 if x1 is more than x2 then the spring would have been compression and this the forces would have been directed outwards from the spring, तो forces की direction change हो जाती है. ठीक है, but the approach that we have works, वो simple approach है कि आप एक को ज्यादा assume कर लें और जो साहब ने ज्यादा assume किया हुआ है उस वाले mass के ऊपर force की direction opposite होगी, दूसरे वाले पे same हो जाएगी, same as the displacement. ठीक है, कोई question इसमें हो तो please ask me. So, इसकी इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिकली सारी फोर्सेस को कलेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग टू इवन राइट एम एक्स डबल डॉट प्लस समेशन एफ बिकॉज यू कैन डू दैट नाउ. ठीक है, दोनों मासेस के लिए इंडिपेंडेंटली काम करना है आपने, सही है, दोनों मासेस के लिए इंडिपेंडेंटली काम करना है. तो इनफैक्ट लेट्स जस्ट डू वन ऑफ देम, लेट्स जस्ट डू वन ऑफ देम. तो वी विल से कि एम वन एक्स वन डबल डॉट इज इक्वल टू समेशन एफ, तो M1 की बात कर रहे हैं तो क्या क्या फोर्सेस अप्लाई हो रही है M1 के ऊपर, वी हैव अ फोर्स F1. अब यहाँ पे फोर्स उन्होंने गड़बड़ ये की है कि क्वेश्चन के अंदर उन्होंने स्मॉल f शो किया हुआ था, डायग्राम के अंदर कैपिटल F शो किया हुआ, तो विल स्टिक विद स्मॉल f. ठीक है, विल से F1 पॉजिटिव है बिकॉज डायरेक्शन ऑफ x1 में, देन वी हैव माइनस k1 x1 माइनस c1 x1 डॉट प्लस k2 x2 माइनस x1 प्लस c2 x2 माइनस x1 डॉट एंड दैट्स इट. ठीक है, एंड वंस वी हैव दैट, इसके बाद हम करते क्या है, हम जो अप्लाइड फोर्सेस होती हैं उनको राइट हैंड साइड पे रखते हैं, बाकी सारी फोर्सेस को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं. तो वी ट्राई टू ब्रिंग ऑल द डिग्री फ्रीडम टर्म्स टू द लेफ्ट हैंड साइड. तो mx m1 x1 डबल डॉट यहां पे रखा, पहले c की टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं, तो वी हैव प्लस c1 x1 डॉट, ये इधर आके नेगेटिव होगा, नेगेटिव से मैं साइन चेंज करा दूंगा. ठीक है, तो आई राइट इट लाइक दिस, प्लस c2 x1 डॉट माइनस x2 डॉट. देखिएगा यहाँ पे प्लस है, अभी भी प्लस है, लेकिन मैंने अंदर साइन रिप्लेस कर दिए, तो माइनस साइन आया है अंदर. ठीक है, प्लस k1 x1 प्लस k2 सेम थिंग हेयर, मैंने अंदर साइन चेंज कर दिए पैरेंथेसिस की. ठीक है, चार फोर्सेस आ गई, ये वाली मेरी स्प्रिंग और डैम्पर्स की, एंड दिस थिंग इज इक्वल्स टू द अप्लाइड फोर्स F1. आफ्टर दैट व्हाट वी डू इज वी कलेक्ट द कोएफिशिएंट्स ऑफ द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ठीक है, तो जो X1 डॉट के कोएफिशिएंट्स हैं वो मैं कलेक्ट कर लूंगा, X2 डॉट के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो मैं कलेक्ट कर लूंगा, X1 के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो अलग कलेक्ट कर लूंगा, X2 के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो अलग कलेक्ट कर लूंगा. तो मैं इक्वेशन वुड लुक समथिंग लाइक दिस. तो X1 डॉट के जो भी सात टर्म्स आ रही थी वो मैंने एक साथ लिख दी. तो X1 के साथ क्या क्या आ रहा था, X1 डॉट के साथ, X1 डॉट के साथ मेरे पास एक C1 आ रहा है प्लस C1 और एक प्लस C2 आ रहा है. ठीक है, तो C1 प्लस C2 लिख दिया. C2 के साथ सिर्फ एक टर्म आ रही है विच इज सॉरी X2 डॉट के साथ सिर्फ एक टर्म आ रही है विच इज माइनस C2, तो माइनस C2 X2 डॉट लिख दिया. के x1 के साथ अगेन वी हैव प्लस k1 एंड प्लस k2, तो वी हैव k1 प्लस k2 x1 एंड देन वी हैव माइनस k2 x2. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे x2 के साथ सिर्फ एक टर्म आ रही है k2 एंड दिस इज इक्वल्स टू f1.
same thing you can do for the other one, and I want you to try this because once if you have to go through this exercise in order to understand it, take a thoda sa time lagta, especially the steps that we'll do next, that will until you practice it you will get in trouble. Theek hai, abhi ab hame kya karna, so let me just remove this since we have the equations. Yahan pe kuch na kuch hai screen par aa hi jayega. Right, so this is a very important point. Multi-degree freedom systems के अंदर the equations are coupled together, which means कि जो भी आपके degrees of freedom है, आपकी एक equation के अंदर multiple degrees of freedom आ रही होगी. अगर ऐसा नहीं हो, इसका मतलब है वो दोनों masses independent हैं. There is not a 2-degree freedom system, it's 2 1-degree freedom systems. अगर दोनों इक्वेशंस के अंदर दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं आ रही होती तो इसका मतलब दोनों अलग अलग मूव कर रहे हैं. तो आप उन दोनों को 1 डिग्री फ्रीडम सिस्टम अज्यूम करके अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज आपके पास दोनों इक्वेशन के अंदर दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रही है. ठीक है, इसका एक और कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर आप एक मास को मूव करेंगे तो दूसरा मास भी मूव होगा. And physically we can see that as well. So let's go back to the system. अगर आप M1 को move कराते हैं तो M1 को जैसे आप move करेंगे तो spring will try to compress. And because of this compression it's going to transmit a force on M2 and M2 will move. So you can't move one without moving the other until आप दूसरे वाले के ऊपर external कोई force apply करके उसको hold नहीं कर ले. अगर उसको आप free छोड़ा हुआ है, जैसे ही आप एक को move करेंगे दूसरा भी move होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो दे आर कपल्ड टुगेदर. ठीक है, वन मूव्स द अदर मूव्स एज वेल. और क्योंकि अभी हम फ्री वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं तो वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर एक्सटर्नल फोर्सेस एट दिस पॉइंट. द क्वेश्चन हियर कि अगर इस सिस्टम को मुझे सॉल्व करना है, ऑल्दो अभी हम इमीडिएटली इसको सॉल्यूशन पे नहीं जाएंगे बट वी वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन, तो हाउ मेनी इनिशियल कंडीशंस विल आई नीड? 1 degree freedom system के लिए we needed 2 initial conditions, एक displacement की एक velocity की. अब हमारे पास दो masses हैं, तो हमें हर mass के लिए initial displacement भी पता होनी चाहिए और हर mass के लिए initial velocity भी पता होनी चाहिए. तो इतनी initial conditions चाहिए होती हैं आपको, you need 2 per mass या 2 per degree freedom. तो अगर आपके पास 2 degree freedom है तो 4 initial conditions चाहिए, 3 degree freedom है तो 6 initial conditions चाहिए. सही, we're not going to immediately get into the solution of this thing. अभी हम equations पे थोड़ा और काम करेंगे. We need to first convert this thing into a matrix form and then we need to look at a more complicated example before we get into that. अच्छा, class का time is almost over इस session का, तो please rejoin so that we can continue. Thank you. Okay, let's continue with this. हम लोगों ने अभी जो काम करना है, वी नीड टू नाउ कन्वर्ट दिस थिंग इनटू अ मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन. और वो इतना मुश्किल काम नहीं है. द अप्रोच दैट विल टेक इज आई विल जस्ट शो यू व्हाट विल डू एंड देन विल सी व्हाट द आउटपुट हाउ विल एक्चुअली सॉल्व दिस थिंग. तरीकेकार ये होता है कि हम सिस्टम को डू इट हियर एंड देन रिमूव दिस थिंग. सबसे पहले हम एक एम्प्टी मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं इस तरीके से कि हम एक वेक्टर यहाँ पे बना देते हैं विच इज एक्स वन डबल डॉट एंड एक्स टू डबल डॉट, यानी एक्सेलरेशन की टर्म्स का बना दिया. सिमिलरली हमने यहाँ पे वेलोसिटी की टर्म्स का बना दिया, उसके साथ में हमने कभी एक एम्प्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दिया. विल सी हाउ वी फिल दिस थिंग. सेम थिंग हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए भी कर दी एंड देन वी हैव a force vector here. ठीक, अब जो काम रह गया that is to actually fill this out. We need to see what goes in these three matrices. और वो basically क्या है, वो coefficients है हमारे पास जो यहाँ पे in terms के आ रहे. तो the first row in these matrices belongs to the first equation and the second row belongs to the second equation.
ठीक है, पहली वाली जो टर्म है दैट बिलोंग्स टू एक्स वन, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम बिलोंग्स टू एक्स टू. तो अगर मैं यहां पे देखूं तो हाउ वुड पहली इक्वेशन के अंदर एक्स वन डबल डॉट का क्या कोएफिशिएंट है, दैट इज एम वन. एक्स टू डबल डॉट का क्या कोएफिशिएंट है पहली इक्वेशन के अंदर? एक्स टू डबल डॉट है ही नहीं पहली इक्वेशन के अंदर, इट्स जीरो. दूसरी इक्वेशन के अंदर एक्स वन डबल डॉट का क्या कोएफिशिएंट है? जीरो, बिकॉज एक्स वन डबल डॉट इज नॉट देयर इन द सेकंड इक्वेशन. एक्स टू डबल डॉट का कोएफिशिएंट इज एम टू. आप अब आ जाइए अपनी डैम्पिंग के टर्म के ऊपर. तो डैम्पिंग के अंदर यू अगेन डू द सेम थिंग. एक्स वन डॉट का क्या कोएफिशिएंट है? दैट इज सी वन प्लस सी टू. एक्स टू डॉट का क्या कोएफिशिएंट है? दैट इज माइनस सी टू. सेकेंड इक्वेशन के अंदर एक्स वन डॉट का क्या कोएफिशिएंट है? माइनस सी टू. और एक्स टू डॉट की क्या इक्वेशन कोएफिशिएंट है? दैट इज सी टू प्लस सी थ्री. सेम थिंग आप स्टिफनेस में आ जाएं अगर, तो स्टिफनेस में भी यही काम होगा. तो वी हैव के वन प्लस के टू एंड यू हैव माइनस के टू, यू हैव माइनस के टू एंड के टू प्लस के थ्री. ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं. इट वुड बी रिटन हियर, तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई भी है. ठीक है, ज्यादा क्लियर है तो लेट्स जस्ट रिमूव दिस थिंग. एक मिनट प्लीज होल्ड कीजिएगा. राइट, तो बेसिकली व्हाट वी हैव हियर इज के वी नाउ गेट इक्वेशन व्हिच इज इन द मैट्रिक्स फॉर्म. मैट्रिक्स फॉर्म की इक्वेशन का फायदा ये होता है कि वी कैन एक्चुअली गो अहेड एंड राइट, वी कैन सिंप्लीफाई अवर मॉडल. जब हमें जल्दी से लिखनी होती है अपनी इक्वेशन, तो वी कैन राइट समथिंग लाइक दिस. तो वी यूजुअली से के हमारे पास एक मैट्रिक्स है व्हिच रिप्रेजेंट्स द मासेस इन द सिस्टम एंड इट इज मल्टीप्लाई बाय अ वेक्टर ऑफ ऑल द एक्सेलरेशंस इन द सिस्टम, प्लस वी हैव अ मैट्रिक्स व्हिच रिप्रेजेंट्स द डैम्पिंग इन द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय द वेक्टर ऑफ वेलोसिटीज इन द सिस्टम, प्लस a stiffness matrix multiplied by the displacement vector equals to the force vector. ठीक है, तो आपके पास ये जो है mass, damping and stiffness matrices are m, c and k and x is your displacement vector. ठीक है ना, तो यही चीज यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं. तो हमारे पास mass, damping और stiffness matrices आ गए. You can note something here कि आपका जो mass matrix है वो that is symmetric. आपका डैम्पिंग मैट्रिक्स है वो भी सिमेट्रिक है, स्टिफनेस मैट्रिक्स है वो भी सिमेट्रिक है. ठीक है, तो उनका ट्रांसपोज जो है वो सेम आ रहा है. तो दीज आर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस. इसके अलावा वी हैव डिस्प्लेसमेंट्स, वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स एंड वी हैव अ फोर्स वेक्टर. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली हमने किया क्या इस पूरी चीज में, वी जस्ट डिफाइंड आवर equations first किसी एक सिस्टम की and using those equations we were able to get our matrix equations जिसमें हमने सबके coefficients को collect करके matrices में convert कर दिया. Now what I want to do now is I want to do हमने पिछली क्लास में announce किया था कि we are going to do makeup classes, तो हम वो makeup class के तौर पर इसको continue कर रहे हैं, right? तो we'll do this next week as well. तो अभी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे एंड देन विल स्टॉप एंड दैट विल नॉट टेक वेरी लॉन्ग. तो होपफुली हमें पूरा लेक्चर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आज, विल बी एबल टू फिनिश अर्लियर देन दैट. हमें जो न्यूमेरिकल इस वक्त करना है दिस वन. अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यू हैव ऑल द टूल्स दैट यू नीड टू सॉल्व दिस. ठीक है, आपको पता ही है कैसे करना है, बट वी जस्ट नीड टू सी कि हाउ थिंग्स विल चेंज now that we have 2 degrees of freedom in the system.
ठीक है, अब सिस्टम क्या है, सिस्टम में हमारे पास एक रिजिड बार है, लेंथ ऑफ द बार एल बताई हुई है और सेंटर से पिन किया हुआ था, यानी ऊपर भी एल बाई टू है, नीचे भी एल बाई टू, ठीक है। एम वन गिवन है, उसके साथ में के वन सी वन लगा हुआ है, रिजिड बार के साथ में टॉर्शन स्प्रिंग के टी लगा हुआ है, इसकी सेंटर के अबाउट जो आपकी इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज जे नॉट, दूसरा एंड के साथ एक स्प्रिंग के टू लगा हुआ है, के टू जो है इट इज बिटवीन दिस बार एंड एम टू, इसके दोनों एंड मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, के टू के दोनों एंड मूव कर रहे हैं, और एम टू के बाद आपकी एक डैम्पिंग लगी हुई है, मैंने इसको कलर ड्रॉ किया हुआ है, जस्ट स्केच मैंने खुद बनाया था, तो दिस थिंग इज एक्चुअली अ डैम्पर, ठीक है ना, दिस इज अ डैम्पर, वी नीड टू फिक्स दिस, आई फिक्स इट लेटर ऑन, तो दिस इज सी टू हियर। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करने के लिए व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू सॉल्व दिस थिंग myself, तो अगेन इसको मुझे सही करना पड़ेगा, तो दिस इज अ डैम्पर नॉट अ स्प्रिंग, सही है डैम्पर। अब जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी, उस इंफॉर्मेशन से वी नो दैट दिस एंटायर लेंथ इज एल एंड द पिन इज एट एल बाई टू, ठीक है। हमें उन्होंने कोई डिस्प्लेसमेंट खुद से असाइन नहीं की थी, तो वी लेट अस डिफाइन द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आवरसेल्व्स, तो वी डिफाइन दिस टू बी एक्स वन, और अगर ये वाला एंड राइट साइड में मूव करेगा तो दूसरा एंड लेफ्ट में मूव करेगा, राइट, तो दिस विल बी एक्स टू, एंड अगर ये इस तरीके से मूव कर रहा है तो इसकी जो रोटेशन आएगी वो इस तरीके से आएगी, राइट, तो वी हैव अ थीटा हियर। अब हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर देयर इन दिस सिस्टम, दैट इज अ क्वेश्चन, राइट। तो हमारे पास जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उसमें वी हैव, हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ड्रॉ की है हमने, वो एक एक्स वन है, एक थीटा, एक एक्स टू है। अब इफ यू थिंक अबाउट दिस, यू कैन प्रॉब्ली फिगर दिस आउट इमीडिएटली कि हमारे पास दिस इज रिजिड, which means कि आपके पास x1 और theta जो है, they are coupled together, you can't move one without moving the other, so you do not need to consider them as separate degree of freedom, there is this is only one degree of freedom, ठीक है। तो आपके पास दो components बन रहे हैं system के, इस पूरे system को अगर मैं complete चीज को देखूँ तो there are two parts to this, एक part है which is this rigid bar connected to the mass, सही है, एंड देन देयर इज दिस एम टू, दिस थिंग इज वन डिग्री फ्रीडम, तो ये आपके पास जो ये वाला पार्ट है, दिस इज वन डिग्री फ्रीडम एंड दिस इज द सेकेंड डिग्री फ्रीडम, लेट्स कॉल दिस एम टू, सही है ना। तो अब रिमेंबर कि हम एक्स वन और थीटा को एक कह रहे हैं और एक्स टू को अलग कह रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी जो इस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही होगी, एक इक्वेशन बनेगी जो सेकंड पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही होगी। व्हेनेवर वी हैव मल्टीपल मासेस कनेक्टेड रिजिडली टुगेदर, द अप्रोच दैट वी लाइक टू यूज इज वर्चुअल वर्क, बिकॉज इसमें डैम्पिंग भी है तो एनर्जी मेथड नहीं यूज हो सकता। अगर आप इसमें न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे तो आपको इस रोटेशन की और ट्रांसलेशन की, जो आपके पास थीटा की रोटेशन है और एम वन की ट्रांसलेशन है, दीज बोथ ऑफ दीज आपको दोनों के लिए अलग अलग न्यूटन्स लॉ लिखना पड़ेगा, इस रिजिड लिंक की अंदर की फोर्स को लेके उन दोनों को बाद में कपल कराना पड़ेगा। तो द इजियर अप्रोच इज टू यूज वर्चुअल वर्क, राइट। वर्चुअल वर्क में यू कैन डायरेक्टली डिफाइन द फोर्सेज ऑन दिस कॉम्बिनेशन एंड देन वी कैन सॉल्व फ्रॉम देयर, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या फोर्सेज आ रही हैं, एम वन के ऊपर क्या क्या फोर्सेज लग रही हैं, एम वन के ऊपर एक फोर्स लग रही है विच इज के वन एक्स वन, क्योंकि एक एंड आपका फिक्स है, राइट, तो आपके पास द फोर्स इन के वन एंड सी वन इज ऑपोजिट टू एक्स वन, तो हमारे पास के वन एक्स वन आ गया, सी वन एक्स वन डॉट आ गया, एंड देन वी हैव ऑल्सो द इनर्शियल फोर्स विच इज इंपॉर्टेंट, राइट। Okay. So we have
m1 x1 double dot. ठीक हो गया ये वाली चीज. Then we have the forces which are acting on the bar which is rotating. तो आपके पास इस पे एक spring kt लगा हुआ है. Theta की direction clockwise है, तो जो spring torque होगा that is going to be anti-clockwise kt theta. और उसके बाद जो आपके पास इसकी भी इनर्शियल रोटेशन होगी, तो द इनर्शियल रोटेशन ऑफ दिस थिंग इज आल्सो गोइंग टू बी ऑपोजिट टू थीटा, तो इट इज गोइंग टू बी, हम इसको जे नॉट कह रहे हैं, तो जे नॉट थीटा डबल डॉट. ठीक है, तो दीज आर ऑल द मोमेंट्स एंड द फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन द फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम पार्ट. ठीक है, जो पहला डिग्री फ्रीडम का पार्ट था उस पर ये फोर्सेज एक्ट कर रही है. एक और फोर्स है विच इज फ्रॉम द स्प्रिंग के टू, वो हमें देखनी पड़ेगी कैसे निकालते हैं. तो उसके लिए कंसिडर द फैक्ट कि आपके पास सेंटर से पेन है, तो जब टॉप एंड मूव करता है टूवर्ड्स द राइट तो बॉटम एंड भी मूव करता है टूवर्ड्स द लेफ्ट. और ये कितनी होगी इसकी डिस्प्लेसमेंट, तो द रोटेशन इज थीटा एंड this end is going to move by L2 times theta because ये length L by 2 है. But X1 is also L2 by L by 2 theta. So this end is also actually moving by X1. ठीक है, because center से पहले जितना top part move कर रहा है उतना bottom part भी move कर रहा है. ठीक है, तो let's just remove this thing. तो आपका टॉप पार्ट जो था वो x1 से डिस्प्लेस कर रहा था, बॉटम पार्ट भी x1 से डिस्प्लेस कर रहा है. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास m2 इज x2. अब इसमें एक जो फोर्स है विच इज बिकॉज ऑफ द डैम्पर, दैट इज सिंपल बिकॉज डैम्पर का एक एंड फिक्स्ड है, द फोर्स इज ऑपोजिट टू x2, तो वी कैन टेक जस्ट लाइक c2 x2 डॉट. ठीक हो गया. फिर अब हम आ गए स्प्रिंग फोर्स के ऊपर. स्प्रिंग फोर्स में अगेन वी नीड टू डिसाइड ऑन अ मैग्नीट्यूड फर्स्ट एंड देन वी चूज द डायरेक्शंस. सो लेट अस राइट द मैग्नीट्यूड एज k2 x2 माइनस x1. इफ यू चूज टू राइट इट लाइक x1 माइनस x2 इट्स स्टिल द ओके, उसमें कोई गलत बात नहीं है, बट इट्स जस्ट गोइंग टू स्विच द डायरेक्शंस फॉर यू. अब मैंने अगर x2 माइनस x1 ले लिया है तो मुझे m2 के ऊपर डायरेक्शन को ऑपोजिट लेना पड़ेगा, और x1 वाली रोटेशन की जगह पे मुझे डायरेक्शन को सेम लेना पड़ेगा. ठीक है, तो विद दिस आई हैव नाउ कंप्लीटेड माय फ्री बॉडी डायग्राम्स ऑफ द सिस्टम. सो आपके पास दो डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, तो आपके पास दो फ्री बॉडी डायग्राम्स बनी है. ठीक है, दोनों डिग्री फ्रीडम वाले पार्ट्स की अलग अलग डायग्राम्स बनी है. अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम अपनी इक्वेशन लिख सकते हैं. तो इक्वेशन लिखने के लिए वी कैन स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, लेट्स कॉल दिस पार्ट वन, लेट्स कॉल दिस पार्ट टू. तो पार्ट वन के लिए वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ द वर्चुअल वर्क. वर्चुअल वर्क की इक्वेशन कम्स आउट टू बी माइनस एम वन एक्स वन डबल डॉट. ये जो आपकी फोर्स थी m1 x1 डबल डॉट, ठीक है, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, द डिस्प्लेसमेंट इज x1, सो द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट विल बी डेल्टा x1. ठीक है, एंड व्हाट अदर फोर्सेस आर देयर, वी हैव माइनस c1 x1 डॉट डेल्टा x1, we have minus k1 x1 delta x1, minus अब हमारे पास ये तीनों forces हो गई जो directly m1 के ऊपर apply कर रहे थे. अब हमें forces वो consider करनी है जो कि bar के ऊपर apply हो रही है. तो bar के ऊपर जो forces apply हो रही है those are minus j naught theta double dot delta theta माइनस के टी थीटा डेल्टा थीटा. देन वी हैव द फोर्स विच इज एक्टिंग ड्यू टू द सेकेंड स्प्रिंग एंड दैट इज
इंटरेस्टिंगली अब इसको आपको थोड़ा सा गौर से देखना पड़ेगा. हैव अ लुक एट दिस. दिस इज गोइंग टू बी प्लस के टू एक्स टू माइनस एक्स वन डेल्टा एक्स वन. दिस नॉट माइनस लाइक द अदर टर्म्स. वाई? बिकॉज जो फोर्स की डायरेक्शन है हमारे पास यहाँ पे दैट इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑन द सेट. तो आपके पास ये जो वर्चुअल वर्क आ रहा है स्प्रिंग टू का that is a positive virtual work. So this is something which is going to happen in multi-degree of freedom systems. Ki aapke paas springs or damping forces, it is possible they lead to positive virtual work. Har dafa aapke paas negative virtual work nahi aayega. Theek hai? To humne ye wali cheez likh di. Now this thing is equal to zero because there is no applied force. उसको हमने कहीं कोई applied force नहीं, उसको हमने कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पे कोई applied force नहीं थी. तो this all the virtual works जो sum होता है उसको zero के बराबर होता है, वो लिख दिया. उसके बाद what we need to realize is कि we need to eliminate the virtual displacement from this thing. और उसके लिए we need to relate x1 and theta. तो we know that x1 is equals to l by 2 theta. So theta is equals to 2 by L x1. Theta double dot is equals to, फिर इसको theta, इसको लिखने की जरूरत नहीं है तो क्योंकि theta dot, theta double dot हम theta से उठा लेंगे. Delta theta is also equals to 2 by L delta x1. और theta dot is equals to the term with x1 dot and theta double dot के साथ x1 double dot आ जाएगा. सही है? So we can now plug all of this in. So we are replacing theta in terms of x1. This is what we are trying to do. Okay, so माइनस एम वन, और लेट्स जस्ट कन्वर्ट द साइंस, तो उसको प्लस कर देते हैं. एम वन एक्स वन डबल डॉट डेल्टा एक्स वन प्लस सी वन एक्स वन डॉट डेल्टा एक्स वन प्लस के वन एक्स वन डेल्टा एक्स वन प्लस जे नॉट. अब यहाँ पे हमें रिप्लेस कराना है, तो थीटा की रिप्लेसमेंट इज टू बाई एल एक्स वन. तो इट्स टू एक्स वन डबल डॉट बाई एल, सेम थिंग हियर, टू डेल्टा एक्स वन बाय एल. सही हो गया. माइनस के टी थीटा इज टू एक्स वन बाय एल, डेल्टा थीटा इज टू डेल्टा एक्स वन बाय एल, एंड देन सॉरी दिस शुड बी प्लस. और यहाँ पे भी हमने साइन चेंज करेंगे तो हम अंदर रिप्लेस करा देंगे, तो इट विल बी प्लस के टू एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल्स टू जीरो. ठीक हो गया. We can now eliminate delta x1 throughout and we end up with m1 x1 double dot plus c1 x1 dot plus k1 x1 plus 4 by l square j0 times x1 double dot plus 4 by l square kt x1 plus k2 x1 minus k2 x2. इसको मैं ओपन इसलिए कर रहा हूं because I would later on collect the coefficients of x1 and x2 and this is equals to 0. So this is my first equation. I can even collect the coefficients if I want to. Let's collect the coefficients. So I can collect the coefficients of x1 double dot. So it is m1, एक term यहां पे आ रही है मेरे पास, पहली वाली term आ रही है, और दूसरी term यहां j वाली term भी आ रही है. ठीक है, तो वी हैव m1 प्लस 4 बाय l स्क्वायर j0 x1 डबल डॉट प्लस c1 x1 डॉट प्लस k1 प्लस k2 प्लस 4 बाय एल स्क्वायर के टी एक्स वन माइनस के टू एक्स टू इक्वल्स टू जीरो. तो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, दिस इज माय इक्वेशन वन.
which represents my displacement x1. एक जो इम्पोर्टेंट चीज है इसमें जो कि आपका सबसे पहला चेक होना चाहिए जब भी आप इक्वेशन लिख रहे हैं, वो चेक ये होता है कि आप यू कैन लुक एट दिस इक्वेशन. इसमें अगर मैं x1 के लिए मेन इक्वेशन लिख रहा हूँ ना, यानी मैंने x1 वाले सिस्टम के लिए इक्वेशन लिखनी शुरू की है, तो इसमें x1 वाली जितनी भी टर्म्स होंगी वो सारी सेम साइन के साथ आएंगी, तो मोस्टली पॉजिटिव, क्योंकि हम उसको पॉजिटिव लेके चल रहे होते हैं, सर्व कर रहे होते हैं. तो x1 डबल डॉट, x1 डॉट एंड x1, ऑल ऑफ दीज टर्म्स आर पॉजिटिव. और जितनी भी दूसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम इस इक्वेशन के अंदर आ रही है, ऑल ऑफ देम विल बी नेगेटिव. तो इसमें सिर्फ एक दूसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रही है, x2, दैट इज नेगेटिव. इसमें अगर आपके पास यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव आ रहा है ना, फॉर एग्जांपल दिस इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव 4l बाय l स्क्वायर kt, देन देयर इज अ प्रॉब्लम इन द सिस्टम. अगर आपकी मेन डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वेशन के अंदर x1 है, देन x1 की सारी टर्म्स पॉजिटिव होंगी और बाकी सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम नेगेटिव होंगे. If that is not true, then there is a problem in your equations and you need to go back and check. So this is a very simple rule of thumb to actually make sure that what you're doing is right. Achha, second equation pe aa jayegi. Second equation ke liye agar hum kaam kar rahe hain, that is very straightforward. To humare paas usme zyada koi masses hai nahi. Humare paas ek, isme maine ek cheez in fact draw bhi nahi ki bhi. To there is going to be m2 x2 double dot as well here. Theek hai na, ye wali चीज होगी, इनर्शियल फोर्स भी होगी. तो इफ वी ट्राई टू राइट द इक्वेशन ऑफ दिस थिंग, व्हाट वी एंड अप विद इज माइनस एम टू एक्स टू डबल डॉट डेल्टा एक्स टू माइनस सी टू एक्स टू डॉट डेल्टा एक्स टू. एंड इस केस में सेम फोर्स है माइनस के टू एक्स टू माइनस एक्स वन, बट दिस थिंग इज नाउ प्रोड्यूसिंग अ नेगेटिव वर्चुअल वर्क, बिकॉज इस केस में के टू एक्स टू माइनस एक्स वन और एक्स टू की डायरेक्शन ऑपोजिट है. सेम फोर्स is producing a negative virtual work on M2 and positive virtual work on this bar. ठीक है, ये वाली चीज भी हो गई. इसके अलावा तो कोई भी फोर्स नहीं है इसके अंदर. There are only three terms and this thing is equals to zero. इसमें से x2 delta x2 को eliminate कराना is not an issue. You can eliminate all of this because कोई theta वगैरह नहीं आ रहा. And then what we have is M2 x को positive कर दें. C2 x2 dot plus k2 x2 minus k2 x1, and this check that we just talked about is also valid here. Okay, main degree of freedom is case mein jo thi wo x2 thi. Hum us mass ki equation likh rahe hain jisme x2 degree of freedom hai. To x2 wali jitni bhi terms hai, x2 double dot, x2 dot and khali x2, all of these are positive and the other degree of freedom is negative. To x1 ki term negative aa rahi. Say this is going to be always true. Once we have something like this, then we can go ahead and we can write the we can then write our matrix equation from this thing. A matrix equation likhne ka tarika karwai hoga ki hum empty matrix banayenge pehle acceleration ke sath, phir hum empty matrix banayenge वेलोसिटी के साथ, और फिर डिस्प्लेसमेंट के साथ. एंड सिंस देयर इज नो अप्लाइड फोर्स, दिस थिंग इज गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो, एंड देन वी कैन फिल दिस थिंग. तो अब हम अगर पहली वाली इक्वेशन देखें तो इसमें एक्स वन डबल डॉट के क्या कोफिशियंट है पहली इक्वेशन के अंदर, तो दिस इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स वन डबल डॉट. और x2 डबल डॉट का कोई कोफिशियंट नहीं पहली इक्वेशन के अंदर. दूसरी इक्वेशन के अंदर x2 डबल डॉट का कोफिशियंट m2 है और x1 डबल डॉट नहीं एग्जिस्ट कर रहा. तो द फर्स्ट मैट्रिक्स, द मास मैट्रिक्स दैट वी हैव कम्स आउट टू बी m1 प्लस 4 बाय l स्क्वायर j नॉट 0 0 m2. ठीक है, एंड द सेकंड matrix that we have for damping, jo damping wala hamara matrix hai, that is relatively straightforward because usme hamare paas koi coupling nahi aa rahi. To hamare paas jo damper laga hua hai, damper wo purely, ek damper purely x1 ke sath laga hua hai, dusra damper purely x2 ke sath laga hua hai. To ek equation ke andar we only have c1 x1 dot, dusri equation ke andar we only have c2 x2 dot. So the matrix is c1 0 0 c2. फिर हमारे पास जो स्टिफनेस मैट्रिक्स है दैट इज फेयरली लार्ज, बिकॉज अब हमारे पास अगर हम स्टिफनेस की टर्म्स देखें तो पहली वाली इक्वेशन के अंदर
x1 के साथ k1 plus k2 plus 4 by l square kt multiply हो रहा है और x2 के साथ minus k2 apply हो रहा है. दूसरी equation के अंदर it's straightforward, x2 के x1 के साथ minus k2 है, x2 के साथ k2 है. ठीक है, तो we can write all of this in here as well. दूसरे वाले जो हमारे stiffness matrix है उसके अंदर. तो पहली term from the first equation which is multiplying with x1 is k1 plus k2 plus 4 by l square kt and with x2 is k2 minus k2. In the second equation with x1 is minus k2 and with x2 is plus k2. So this is your mass matrix, this is your damping matrix and this is your stiffness matrix. ठीक हो गया. तो आई थिंक आई एम डन विद दिस राइट. तो इसको हम विल लेट्स गो बैक. इसको मैं आई पुट दिस इन द स्लाइड्स. ठीक है, मैं डाल दूंगा स्लाइड्स के अंदर सो दैट यू गाइस कैन हैव अ लुक एट दिस एंड ट्राई टू सॉल्व दिस थिंग. इसमें कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क मी राइट नाउ. ठीक है, ताकि चीज क्लैरिफाई हो जाए एट दिस पॉइंट, बिकॉज we are going to next move on to the solution of these equations. तुम बहुत ज़्यादा इसकी exercise नहीं कर रहे. I'll give you some practice problems that you can test yourself with in the equations of the 2D cube freedom. ठीक है, but हम बहुत ज़्यादा इसकी और class में exercises नहीं करेंगे. तो if you have any question, please ask me. और I think I'm for this particular lecture I'm done. ठीक, और कोई चीज़ हो तो पूछ लीजिए मुझसे. अस्सलाम वालेकुम सर. सर ये जो मैट्रिक्स है ये आगे सॉल्व भी होगा जो मैट्रिक्स बनाएंगे? देखें, आगे हमारे पास होता ये है कि लेट मी जस्ट क्विकली इसके मैं पढ़ा नहीं रहा, आई एम जस्ट आंसरिंग योर क्वेश्चन. कि होता क्या है कि जब हम इसके फ्री वाइब्रेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो वी हैव समथिंग लाइक दिस. व्हाट वी डू इज वी अज्यूम अ सॉल्यूशन. जैसे हम पहले अज्यूम करते थे सॉल्यूशन x into e to the power st, इसी तरह हम सॉल्यूशन अज्यूम करेंगे, बट नाउ वी हैव टू सॉल्यूशंस x1 और x2 का. वी प्लग दैट बैक इन and from there what we end up with is we end up with something like this. ab in order to solve this thing is matrix ko hame ka determinant ko zero ke equal put karna padta hai. iski reason kya hai, we'll talk about all that in the next lecture. ki aisa kyun karna hota hai. ab hamare paas this is now the characteristic equation. pehle hamare paas characteristic equation simple aa rahi thi 1D ke freedom mein, ab hamare paas determinant ke form mein aa rahi hai. so we'll talk about why that is true. but jo matrices ban rahe hain they are actually needed to get your solution for free vibration. ठीक है, वो जरूरी है. ओके सर. ठीक है, ओके. एनीथिंग एल्स सर? वो सीपी नहीं अपलोड हुआ हुआ एलएमएस पे. सीपी अपलोड नहीं हुआ हुआ एलएमएस पे? नहीं सर. लेट मी चेक, मैंने मिस कैसे कर दिया यार. लेट मी सी माय एलएमएस. नहीं हुआ तो अभी कर दूंगा. हो सकता है मैंने मिस कर दिया हो. सब कुछ बना के तो रखा हुआ है बट ओके आई विल डू इट. अगर नहीं हुआ तो मैं अभी कर रहा हूँ. नहीं हुआ हुआ सही कह रहे हैं. मैं लेट मी डू इट राइट नाउ. ठीक है, मैं अभी कर रहा हूँ सो दैट यू कैन फोकस ऑन दैट. अब मैं अभी कर देता हूँ. चाहिए ठीक है. और कोई चीज? ऑल गुड. ठीक है फिर तो इफ देर इज नथिंग एल्स देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स. ज़ाहिर सेमेस्टर भी खत्म हो रहा है. वी स्टिल वी हैव टू मोर टॉपिक्स आफ्टर फ्री वाइब्रेशंस बट आई डोंट थिंक वी विल हैव टाइम फॉर दैट. सो वी विल डू वन मोर टॉपिक आफ्टर दिस थिंग व्हिच इज फोर्स वाइब्रेशन. और एक और टॉपिक होता है लैपलास इक्वेशंस का. वी विल नॉट बी एबल टू कवर दैट आई थिंक. तो सो वी विल फोकस ऑन दिस एंड फ्री वाइब्रेशन थिंग. और इसके बाद विल टॉक अबाउट फोर्स वाइब्रेशन एंड विद दैट विल एंड द कोर्स. और एक क्विज हम और लेंगे. ठीक है, विल टेक वन मोर क्विज. और हमारा अब ये वाला जो पार्ट कंप्लीट हो गया है ऑलरेडी. तो अर्ली नेक्स्ट वीक लेट्स हैव अ क्विज फ्रॉम द थ्री टॉपिक्स दैट वी जस्ट कवर्ड. जो हमने हार्मोनिक फोर्स और मास एंड बैलेंस और बेस एक्साइटेशन वाला काम किया उसमें से एक क्विज ले लेते हैं नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में. सो दैट वी विल हैव थ्री क्विजेज. उससे पहले आई ट्राई टू ग्रेड योर पहले क्विज के मार्क्स एलएमएस पे डाले हुए. सेकंड क्विज के इंशाल्लाह आई अपलोड ओवर द वीकेंड.
so that you have an idea about your standing in the class before the third quiz. ठीक है तो आई एम डन, कोई और बात करनी है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज लेट्स एंड दिस लेक्चर. Okay, so I'm ending the lecture session, inshallah, and I'll upload the CEP, right? I'll upload it right now. And मैंने असल में सेक्शन एक में तो अपलोड कर दिया था, सेक्शन बी का जो है वो मैंने मिस कर दिया, तो मैं अभी अपलोड कर देता हूँ. एंड फ्रॉम देयर इंशाल्लाह यू कैन सॉल्व इट. ओके, असाइनमेंट की फॉर्म में ही आएगा तो यू विल बी एबल टू अपलोड दैट ऑन LMS एज वेल. ठीक, तो थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम. Thank you, sir. Really, really.